किससे लगी पड़ी हो? मेरी एक फ्रेंड है काजल, तो मैं उसे चैट कर रही थी। सो जाओ तुम। अरे बेबी सो जाएंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम रहने दो यार, बस तुम्हारा नाम सिर्फ सूरज है। 2 मिनट के बाद तुम चांद की तरह ठंडे हो जाते हो। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि डॉक्टर के पास चलो, अपने चेकअप करा लो, अब तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो? प्लीज बोला ना यार, सोचा मुझे सोने दो प्लीज। क्या मुसीबत है यार। सूरज साहब है घर पे? तुमको? मेरा नाम राजू है और मुझे आशीष साहब ने भेजा है। अरे हाँ, आशीष ने बताया था। आओ अंदर आओ। कहाँ तक पढ़े? 8वीं तक पढ़े हैं साहब। अच्छा, और मुंबई में कब से हो? 2 महीने हो गए। देखो काम अच्छा करोगे तो पगार भी अच्छी मिलेगी, ठीक है? अभी एक काम करो, जल्दी से 2 कप चाय बना दो, एक मुझे दे दो और एक अंदर मैडम को दे दो। जी सर। और सुनो, प्याज कट करके रखे हैं मैंने, तो पोहा बना देना, ठीक है? जी सर। थैंक गॉड। मैडम चाय। तुम? मैडम मेरा नाम राजू है, आपका नया नौकर। राजू? जी मैडम। ठीक है, जाओ किचन में जाकर नाश्ता बना। जी मैडम। पति पत्नी का रिश्ता प्यार और भरोसे की बुनियाद पर टिका होता है। प्यार और भरोसा दोनों में से किसी एक में भी कमी आ जाए तो रिश्ते को निभाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सूरज एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है जबकि प्रिया एक हाउसवाइफ है। प्रिया को घर के कामकाजों में ज़्यादा रुचि नहीं है, इसलिए घर में एक नौकर रखने के लिए अक्सर अपने पति से लड़ती झगड़ती रहती है। प्रिया के रोज रोज नौकर रखने के जिद से तंग आकर आखिरकार सूरज ने राजू नाम का एक लड़का घर के कामकाज के लिए नौकरी पर रख लेता है। राजू? जी मैडम। एक ग्लास पानी देना। जी अभी लाया।
मैडम पानी। घर का सारा काम हो गया? जी मैडम हो गया, बस बर्तन धोना सिर्फ बाकी है। खाना खाया तुमने? हाँ मैडम खा लिया। अच्छा एक बात बताओ। जी। कहाँ के रहने वाले हो तुम? हमारा घर बनारस में पड़ता है। शादी हो गई? नहीं मैडम अभी नहीं। कहाँ तक पढ़े हो? आठवीं तक पढ़े हैं मैडम। और घर में कौन कौन है तुम्हारे? घर में माँ है और एक छोटा भाई है। अच्छा ठीक है जाओ, तुम भी थोड़ा आराम कर लो, फिर कुछ जरूरत होगा तो मैं बुला। थैंक यू मैडम। नौकर भी इंसान होते हैं, इसलिए उसके साथ भी अपनों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। प्रिया भी राजू के साथ अपनेपन वाला व्यवहार करती थी, पर क्या प्रिया के इस व्यवहार के पीछे कोई कारण था या कोई खास इरादा? आइए देखते हैं। साहब एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बोलो। थोड़े पैसों की जरूरत थी। पैसे? अभी गए हफ्ते तो तुम्हारी पगार दियो, फिर से पैसे? सर वो क्या है ना कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और बड़े डॉक्टर को दिखाना था, इसलिए और पैसों की ज़रूरत थी। और पैसों की ज़रूरत तो मैं क्या करूँ? तो सर तो देखो ऐसा है कि पैसे तो तुम्हें मिलेंगे पर सिर्फ सैलरी, एडवांस का तो सोचना भी मत। काम करना है तो करो, नहीं तो छोड़ के जा सकते हो। क्या हुआ, इतने उदास क्यों लग रहे हो? कितने पैसे चाहिए तुम्हें बता, मैं देती हूँ। मैडम वो 10,000 रुपए चाहिए थे। अच्छा एक मिनट रुको मैं लिख रहा हूँ। आप खुश? थैंक यू मैडम, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान और थैंक यू भी क्या बात है, बस तुम मेरे काम आते रहो। पर मैं तुम्हारे मैं कुछ समझा नहीं। धीरे धीरे सब समझ जाओगे मैडम।
मैं अच्छी हूँ इसलिए तुम्हें पैसे दिए मैंने। देखो तुम्हें 10,000 की जरूरत थी ना, मैंने दिए तुम्हें। आगे और भी चाहिए होगा तो तुम मुझसे मांग लो। मैडम साहब गुस्सा करेंगे तो? साहब क्यों गुस्सा करेंगे, सूरज को इस बात को पता चलेगा तब ना। ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए ना, मैं सूरज को कुछ बताऊंगी ना तुम कुछ बताओगे, समझे? अच्छा ठीक है, चलो अपना काम खत्म करो और कब कुछ जरूरत हो तो बताओ। जी प्रिया ने बिना सूरज को बताए हुए राजू को पैसे दे दिए। आखिर क्यों? क्या प्रिया एक बहुत ही नेक दिल औरत थी या फिर इसके पीछे कोई खास मोटिव था? आइए देखते हैं। राजू जी। मैडम जरा मुझे टॉवल देना, टॉवल लाना भूल गई मैं। अभी लाया। कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी तुम्हारी क्या? कभी किसी लड़की को टच नहीं किया? मैडम प्लीज छोड़िए ना मैडम। अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा। मैडम प्लीज। ओह कितना बोला है। जी मैडम। एक कप चाय लेकर आना, मेरा सर बहुत दुख रहा है। जी मैडम। चाय। कैसी बनी है चाय मैडम? कुछ आराम हुआ? अरे नहीं, क्या तुम मेरा काम करोगे? जी बोलिए ना मैडम। मेरे सर में थोड़ी सी चंपी कर दो ना, शायद मेरा सर तो ठीक हो जाए। चंपी? हाँ क्या हुआ, नहीं आती करने? आती है ना मैडम। फिर करो ना, मेरा सर बहुत दुख रहा है। मैडम कैसा लग रहा है? तुम्हारे हाथों में तो बिल्कुल जादू है। मैडम हमारे गांव में ना, मैं अपने दादाजी को ऐसे ही हमेशा चंपी करता था। अच्छी? जी मैडम। हमारे भी कर दिया करो कभी कभी। हाँ मैडम अच्छा लगेगा। कर देंगे ना मैडम। ये क्या कर रही है मैडम? राजू पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, पर प्रिया की नजर
राजू पर पड़ चुकी थी। वो राजू का इस्तेमाल अपने हवस को मिटाने के लिए करना चाहती थी, जिसमें वो कामयाब भी हो गई थी, राजू को पैसों से मदद करके। सब चाय। क्या चाय बनाते हो यार? कितनी शक्कर है इसमें? वापस बना के ले क्या? जी सर। इडियट। जब से तो इस घर में आया ना राजू, मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ। पर ना सूरज के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। मैडम जी, आप बहुत अच्छे लगने लगी हैं। तुम भी अच्छे हो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मैडम। मैडम, आपके हाथ बहुत कोमल है। अच्छा, तो ये सब होता मेरे पीछे से? कैसी के लिए तुमने इसे नौकरी पर रखवाया था? सूरज, तुम जैसे देख रहे हो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। आज मैं तुम्हारी घिनौनी हरकत अपनी आंखों से देख चुका हूँ। तुझे तो मैं बाद में देखूं, पहले सिंह तक नमक हराम। प्रिया, आखिरकार इस तरह के नाजायज रिश्ते कब तक छिपते हैं? एक ना एक दिन पता चल ही जाता है। सूरज के द्वारा रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद प्रिया को अपनी इस गलती की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। इसलिए अपने रिश्तों को लेकर हमेशा सजग रहें, किसी थर्ड पर्सन को अपनी खुशहाल भरी जिंदगी में एंट्री ना दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप सावधान रहें, सेफ रहें, जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकलें। जय हिंद।